सोलन की सब्जी मंडी टमाटर के लिए तो बेहद मशहूर है, लेकिन अब ये सेब के व्यापार के लिए भी जानी जाने लगी है। व्यापारी यहाँ बाहरी राज्यों से सेब को खरीदने के लिए सोलन की सेब मंडी का रुख कर रहे हैं। इन व्यापारियों को सेब मंडी आकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए एपीएमसी द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बेहतर सुरक्षा प्रबंध करने के लिए सुरक्षा कर्मियों का प्रबंध किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण सोलन मंडी में अपने पैर न पसार पाए, इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। सोलन एपीएमसी सोलन के सचिव आर के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन और परमाणु की सेब मंडी में करीबन 12,000 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। बागवानों को उनकी सेब की फसल के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसके कारण वे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि सेब मंडियों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसलिए सैनिटाइजेशन समय समय पर की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से नौ होमगार्ड के सुरक्षा कर्मियों को मंडी में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेब की बोली में पारदर्शिता हो, इसके लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं। बोली 8 बजे से पहले आरंभ ना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोली के दौरान सुरक्षाकर्मी और होमगार्ड के जवान गश्त पर रहेंगे। एप्पल का रेट 800 से 2500 रुपए के बीच में चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है, और आवक भी अब दिन पर दिन बढ़ रही है। लगभग 10 से 12 हज़ार पेटियां पहुंच चुकी हैं मंडियों में, दोनों परमाणु मंडी और यहां पे, और बाकी सैनिटाइजेशन का वर्क भी प्रॉपर वे में हो रहा है, और सभी कर्मचारी अब युद्ध स्तर पे इसमें कार्यरत हैं। और बाहर से भी हमने होमगार्ड की परमिशन मांगी है 9 लोगों की, वो भी हमें एमडी साहब ने दे दी है, तो वो भी जल्दी आने वाले हैं हमारे पास, ताकि काफ़ी हद तक कोविड से बचा जा सके। बोली में ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए क्या? बोली में ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हमने सभी इम्प्लॉयज़ की अलग अलग से 8 बजे से 11 बजे तक की अलग से ड्यूटीज़ लगाई हैं, और साथ में वहाँ मौके पर हमारे सिक्योरिटी के कर्मचारी भी रहेंगे, होम गार्ड भी रहेंगे, ताकि हम सारी चीज़ को सुनिश्चित करें और बोली को 8 बजे से पहले ना लगाएं, 8 बजे के बाद ही बोली लगे।